बांदा पुलिस प्रशासन में उत्सव में अफरा तफरी का माहौल छा गया जब एडीजी प्रयागराज अचानक देर रात अलीगंज चौक निरीक्षण करने आ धमके। एडीजी के आने की सूचना जैसे ही पुलिस महकमे को हुई वैसे ही पूरे महकमे में दहशत का माहौल छा गया और ट्रैफिक व्यवस्था देखकर एडीजी ने बांदा में रात रुकने का फैसला कर लिया, जिसके बाद सुबह होते ही एडीजी ने पुलिस विभाग की सभी शाखाओं और कार्यालयों सहित शिकायत के दस्तावेज देखे और सभी दस्तावेजों में लगातार हो रही कार्रवाई देखकर प्रसन्नता जताई और यह भी कहा कि बांदा हमेशा से ही शिकायतों के निस्तारण में अव्वल रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि क्लब ब्रांच में कुछ कमियां मिली हैं जिन्हें जल्द ही दूर कर दी जाएगी और बांदा में ट्रैफिक व्यवस्था काफी अव्यवस्थित है, जिसके सुधार के लिए चित्रकूट धाम मंडल के आयुक्त और जिलाधिकारी से जनपद में ट्रैफिक सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक लाइट लगवाने की गुजारिश की, जिस पर आश्वासन मिला है कि जल्द ही सड़कों में ट्रैफिक सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक लाइट और ट्रैफिक नियम के बोर्ड लगे नजर आएंगे, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा। बांदा से संवाददाता धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। नगर निरीक्षण चल रहा है सर, क्या किस तरह से निरीक्षण, क्या क्या खामियां पाई गई बांदा जनपद? बांदा जनपद का निरीक्षण किया गया जिसमें आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय के विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया गया, जिसमें जन शिकायत प्रकोष्ठ, सैनिक प्रकोष्ठ, उसके साथ ही हेड क्लब ब्रांच, अकाउंटेंट ब्रांच और DCRB, LIU, ये सभी ब्रांचेज इसमें चेक किए गए। इसमें जो आगंतुक हैं जो अपनी जन शिकायतें लेकर आते हैं उसका निस्तारण देखा गया, काफ़ी अच्छा है। आज कोई भी सुबह तक आगंतुक नहीं था, लेकिन उससे पहले की जितनी भी उसमें एप्लीकेशन थी उनके कंप्लेनेंट से बात की गई। उसमें कुछ शिकायतें ऐसी थी जिसमें थाने पर FIR नहीं लिखाई गई, उसके बाद वहाँ पर FIR यहाँ आदेश हुआ उसमें पंजीकृत कर ली गई। कंप्लेनेंट से पूछा गया तो वह भी संतुष्ट है, उसमें एक अपरता की बरामदगी होनी शेष है। इसी प्रकार से अन्य जो शिकायतें आई हैं उनका भी निस्तारण समयबद्ध रूप से किया जा रहा है। IGRS, CM डेस्क, ये तमाम जितनी भी शिकायतें हैं उनके निस्तारण में बांदा जनपद हमेशा अव्वल रहा है और अभी भी लगातार वही पोजीशन बनी हुई है। कुछ कमियां पाई गई हैं जो हेड क्लर्क ब्रांच में जो हमारे कैरेक्टर रोल मेंटेनेंस करते हैं, ऐसे लोगों में उनको बताया गया है कि उन्होंने रोल नहीं लिखा है जैसे कर्मचारियों के। इसी तरह से जो लोन के कुछ फॉर्म हैं जो अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं या TA का जो पेमेंट है उसके बारे में शिकायतें कुछ बताई हैं, तो उनके लिए भी पुलिस अधीक्षक व CEO अकाउंट CEO ऑफिस को निर्देशित कर दिया गया है। कुल मिलाकर जनपद की स्थिति बेहद अच्छी है और इसमें शिकायत निस्तारणों में काफ़ी इसमें अच्छी स्थिति पाई गई है। जो छोटी मोटी कमियां हैं उनके बारे में इंगित कर दिया गया है। ट्रैफिक को लेकर के कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं और क्या कुछ वार्ता की गई? DIG रेंज भी थे और SP बांदा थे, क्या कुछ निर्देश आपको? DIG रेंज साहब को, कमिश्नर साहब को हमने ये अनुरोध किया है कि जो मुख्य चौराहे हैं उन पर यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की कार्रवाई शुरू की जाए और जल्दी ही आपको यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल देखने को मिलेंगे। साथ ही जो ट्रैफिक के हमारे साइंस हैं वो लगाना, साइन बोर्ड्स लगाना, जिसमें सुरक्षित चलने के लिए कुछ दिशा निर्देश और हमारे उसमें मैंडेटरी कुछ सिग्नल्स होते हैं उनको लगाया जाना, मैंडेटरी साइन हो गए, कुछ प्रिकॉशनरी साइंस हैं और इसी प्रकार के इंफॉर्मेटरी जो साइंस हैं वो लगाने के लिए, बोर्ड लगाने के लिए निर्देशित किया गया है। ट्रैफिक में जो लोग वायलेशन कर रहे हैं उसके लिए सबसे पहले बताया है कि अपने पुलिस लाइन और पुलिस कर्मियों पर ये हम लागू करेंगे कि वो ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, जो पालन नहीं करेंगे उन पर चालान भी किए जाएंगे, उन पर डिपार्टमेंटल कार्रवाई भी होगी। उसके बाद सेकंड स्टेज में पब्लिक के लोगों के चालान शुरू किए जाएंगे जो भी ट्रैफिक के नियमों का वायलेशन कर रहे हैं, तो जल्दी आपको ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार नजर आएगा। महिलाओं की सुरक्षा, बच्चियों की सुरक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके लिए एंटी रोमियो दल हमारे सभी थानों में और जनपद स्तर पर कार्यरत हैं। उनको बताया गया है कि सुबह जब विद्यालय खुलते हैं और छुट्टी के समय वहाँ एंटी रोमियो दल तैनात रहें, जो भी शौदे हैं जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं या ऐसे पॉइंट जो हॉट स्पॉट्स बने हुए हैं जो भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं, मार्केट हैं, उनमें भी घूम घूम कर वहाँ पर देखा जाए और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए।